प्रदेश सचिव व ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य मनोज पठानिया को सुलभ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मनोज पठानिया नूरपुर के बासा बजीरा के रहने वाले हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान मनोज पठानिया ने बताया कि उन्हें पार्टी द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे बेखूबी निभाएंगे। प्रदेश सचिव व ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य मनोज पठानिया को सुलभ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मनोज पठानिया नूरपुर के बासा वजीरा के रहने वाले हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान मनोज पठानिया ने बताया कि उन्हें पार्टी द्वारा जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वे उसे बेखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला है कि जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर हम जो लोग संगठन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं उनकी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। मनोज पठानी ने बताया कि सुलह कांग्रेस के लिए बहुत ही अहमियत वाली सीट है। बीजेपी में बड़े बड़े नेता सुलह से ही संबंध रखते हैं, इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं और अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा। इस समय कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, लेकिन इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संगठन दिल्ली से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत होने जा रहा है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो 200 से 300 सीटें हो गई हैं, 150 गुना उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं। कांग्रेस के पास तो 60 ही सीटें हैं जो कि 5 गुना ही बढ़ानी है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सभी कांग्रेस पार्टी के लोग इकट्ठा होकर जिसमें जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे पद और इज्जत मान देकर हम पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश करेंगे। पार्टी में आम लोगों को बिल्कुल भी अहमति नहीं दी जाएगी। उनके सवाल का जवाब देते हुए मनोज पठानिया ने बताया कि ये सभी पार्टियों में होता है, पर शायद कांग्रेस में थोड़ा ज्यादा हो। सुलभ विधानसभा में अगर कोई ऐसे लोग होंगे जो काबिलियत ना रखते हो और संगठन पर कब्जा किए हैं तो उनका काम ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसे में लोगों को देखना मेरा काम है। जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको अच्छी जगह पहुंचाना मेरा काम है। अभी 3-4 दिनों में एक बैठक बुलाई जाएगी। जितने भी संगठन है अगर पहली बार में ही इकट्ठे आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अलग अलग भी जाना पड़ेगा तो सभी के पास जाकर के उनकी बात सुनूंगा और उसके बाद जो लोग अच्छे हैं काम करने वाले हैं उनसे मिल बैठकर आपस में रजामंदी से वहां पर संगठन 15 दिन में ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारिणी बनाएंगे। यहां तक सुला का ऑब्जर्वर बनाने की बात है। कल हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि जहां पे हम भीखे हैं वहां पे हम जो लोग संगठन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं उन लोगों की हमने वहां पे ड्यूटीज लगाई है, तो इस कारण मेरे को सुला का प्रभार दिया गया है। सुला जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत अहमियत वाली सीट है और बीजेपी में भी आपने देखा होगा कि जितने भी नामवर बड़े बड़े नेतागण हैं वो सुला से बिलोंग करते हैं, तो इसको मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी समझता हूं और अच्छे से निभाने की मैं कोशिश करूंगा। मनोज जी, चुनौती बहुत बड़ी है आपके पास, कांग्रेस का इस समय आप देखते हैं क्या हालत है, आप इसको कैसे लेके चलेंगे? हाँ, आपकी बात सही है कि कांग्रेस इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो दिल्ली से लेकर और बूथ लेवल तक जो है मजबूत होने जा रहा है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी की भी बात करो तो वो 200 से आज 300 सीटें हो गई हैं, 150 गुना उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं, तो कांग्रेस के पास 60 हैं, हमने तो 5 गुना ही बढ़ानी है। इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। हम जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो इकट्ठा होकर जितनी जिसमें योग्यता है उसके अनुसार उसको पद और इज्जत मान देकर हम पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश करेंगे।